और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सीएए को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बड़े बयान की भी, क्योंकि सीए कभी वापस नहीं होगा, यह बड़ा बयान अमित शाह की तरफ से दिया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम तुष्टीकरण की सियासत नहीं करते, सुरक्षा पर सियासत बंद करें ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है अमित शाह ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि नागरिकता पर कानून संसद का अधिकार है, केजरीवाल अपना धैर्य खो चुके हैं। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है, इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? Z News।